नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम लोगों से लगातार सवाल कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? रिंकल इंसा। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं मेडिकल कर रही हूँ, डॉक्टर लाइन। मैम, डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े? मैं बचपन से जुड़ी हूँ, मेरी फैमिली बहुत साल हो गए, मतलब बचपन से ही है मेरे डेरे से। मेरी मम्मा की शादी भी यहीं पे हुई, मतलब डेरे से ही शादी हुई। हमने जैसे पंडित को बुलाते हैं घर में, ऐसी कोई शादी नहीं की। आपकी आस्था कितनी है गुरु जी के ऊपर? जितनी उम्मीद नहीं कर सकते इतनी है। मैम आप वेल एजुकेटेड? मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ तभी मुझे इन पर इतना विश्वास है। जो लोग देख जो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे उस चीज़ पे विश्वास है। मतलब मैंने बाहर पे जो बाहर दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, मतलब दिखाते कुछ हो रहा है, रियल में है कुछ हो रहा है, वो मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगता और है भी नहीं ऐसा कुछ। जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, देखती हूँ, हम भी रहे हैं, मेरी मॉम्स भी रहते हैं, मेरी दादी जी भी रहते हैं, दादाजी भी रहे हैं, सब यहीं पे रहते हैं, तो बहुत इतना यकीन है कि कुछ कह रही। गर्ल कैसा इन्वायरमेंट है फिर यहाँ? बहुत अच्छा है, जितना मीडिया ने दिखाया है बाहर उससे कई गुना अच्छा है। मैं ये बोलती हूँ कि जितनी लड़की इस यहाँ पे आके सेफ है ना, इतनी हमारे देश में कहीं और सेफ नहीं रह सकती है। गुरुजी का नेचर कैसा है? इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतना मतलब कह नहीं सकते, मतलब हम उनको अपने पापा बोलते हैं, पापा जान बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आप इनको ऐसे क्यों बोलते हैं, पर हमें अच्छा लगता है। और उनको ये हमें ये नहीं बोलते कि हमें ये बोलो, हम उनको बोलना पसंद करते हैं, मतलब हमारी भावना है ये उनके लिए। मतलब लोग बोलते हैं ऐसे ना बोलो, पर ये अपने अंदर की भावना होती है। अब एक्टर्स हैं, टीवी में एक्टर्स आते हैं, उनको हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलती है दुनिया उनके लिए भी, पर मतलब कि है तो नहीं वो रियल में उनके जैसे। मतलब मैं दुनिया को यही बोलना चाहती हूँ कि जितने यहाँ पर लड़कियाँ सेफ हैं उनकी, हमारे यहाँ पर आके इतनी खुल, मतलब हमें इतनी खुल मिल जाती है ना कि लड़कियाँ इतनी सेफ हैं यहाँ पर, मैं ये बोलना चाहती हूँ। मैम आपने अपनी भावना बताई, गुरुजी किस तरीके से आपसे ट्रीट करते हैं? बहुत, मतलब अपने बच्चों की तरह, जैसे हम अपने माँ बाप के लिए बच्चे हैं ना, वो हमें अपने माँ बाप अपने हमारे बाप की तरह लगते हैं, हमें हमारे हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं वो हमें यहाँ पे। आपके लिए किया क्या है उन्होंने? बहुत कुछ जो हमें मेरे को वो चीज़ें मिली जो मैंने इनको बोली। जैसे हम विश्वास करते हैं किसी चीज़ पे, मैंने भी विश्वास किया, मैंने भी देखा, मैंने जो भी मतलब अपने दिल में सोचा कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो मतलब सोचने से पहले ही मुझे मिल रहा है वो। मैं आउट ऑफ कंट्री गई, आउट ऑफ कंट्री में 3 साल तक किसी को भी पेपर्स नहीं मिलते और मुझे दिल्ली से देकर भेजे उन्होंने, मतलब हमारे लिए तो उन्होंने ही दिए ना सब कुछ। मतलब मैं इतना यकीन है ना, बस मैं ना किसी ऑफिस में जाती हूँ, मैं नारा लगा देती हूँ और मुझे उससे पहले सब कुछ मिल जाता है, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अभी कौन सी कंट्री में मिला? स्पेन में। स्पेन में आप स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी, वेल एजुकेटेड हो मैम, अभी अच्छी कंट्री में आप अभी स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, फिर भी मैम आप एक संस्था के साथ जुड़े हो, इतना कुछ जिसके बारे में दिखाया गया, क्योंकि जो मुझे आज तक मिला वो इन्हीं की उससे मिला है मुझे। मतलब मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, हमने डेरा सच्चा सौदा में कदम अपने मम्मी डैडी के कहने पर रखा, बाबा जी के कहने पर रखा, पर अब हमारा हमें समझ है कि हम क्या चीज़ ले देख रहे हैं। संत गुरमीत राम रिम सिंह जी का इतनी बड़ी हस्ती है ना कि इस दुनिया में मैं नहीं चाहती कि उनके उनसे बड़ी कुछ हस्ती होगी। जो उनके ऊपर इतने एलिगेशंस हैं सब झूठ हैं, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये दिल से बोल रही हूँ कि ये सब झूठ हैं। ये मान लो जो इंसान अब ज़्यादा ऊंचाई पर उठ जाता है, दुनिया उसको जीने नहीं देती, बस ये बात है। गुरु जी के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर उठ गए थे, अब बॉलीवुड में वो एंट्री कर रहे थे, लोगों को उनका देखा नहीं गया कि वो बॉलीवुड में एंट्री करे। अब जैसे सुशांत है, वो भी तो इतना मतलब हाईएस्ट बॉलीवुड में एंट्री कर चुके थे, वो उनको भी नहीं जीने दिया दुनिया ने। मतलब ये सेम है, मतलब लोग किसी भी तरह घुमा फिरा कर कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है आज सोसाइटी को उनकी नीड है? हाँ यस, बहुत, पूरे वर्ल्ड को उनकी नीड है। भाई क्या चेंजेस क्या क्यों है? क्योंकि उनके आने से यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे एज ए गर्ल बोल सकती हूँ कि मेरे को उनकी बहुत ज़रूरत है,
तो क्यों मतलब मैं यहाँ पे जब इंडिया में रहती थी या सब बोलते हैं कि इंडियन ड्रेस डालो, क्यों जब लड़का और लड़की में इन्होंने कोई फ़र्क नहीं दिखाया, तो हमारी फैमिली बोलती है कि नहीं, जब हमें लड़कों हमारे गांव में लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं, पर हमारी फैमिली ने दोनों को एक ही में पढ़ाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़का और लड़की सेम, और उन्होंने वो शिक्षा हमारे गुरु जी से सीखी है, तभी हमारी फैमिली भी हमें इतना वो करती है। इसलिए मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमें गुरु जी की बहुत ज़रूरत है, वो हमारे साथ हैं, हम ये नहीं सोचते अब वो अंदर है, पर हमें हम नहीं सोचते, हमारे साथ ही हमारे दिल में है, हमारे हर जगह दिखाई देते हैं, वो जो सिमरन करते हैं साथ में रहते हैं सत्संग में जाते हैं, उनको हर जगह दिखाई देते हैं, उनको उनकी कमी अब तक महसूस नहीं हुई, मैं चाहती हूँ कि आगे भी नहीं होगी। क्या मांग करोगे आप सरकार से कि सच का साथ दे, झूठ का नहीं? उन्होंने यहाँ पे आके अंदर देखा, पर उन्होंने सच देखा पर बाहर झूठ दिखाया, ये सबसे गलत है सरकार की बात। मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, वहाँ की सरकार ऐसे बिल्कुल नहीं करती, वो हमेशा सच का साथ देती, कभी करती है पर इतना भी नहीं करती कि चार बार देखने के बाद भी झूठ का ही साथ देने, हमेशा सच का साथ देना चाहिए बस। समाज से क्या अपील करेंगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरु जी को देखा? उनको बस मैं बेहतर है कि चुप ही रहें तो मतलब ठीक है, पर यही चाहती हूँ कि सच का साथ हमेशा देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ, अभी जो परस्यूरिंग डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो स्पेन में हैं, उनका भी ये मानना है कि ऐसे एलिगेशन जो भी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम भीम सिंह चिंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं वे सब झूठे हैं। फिर आखिर क्यों एक संस्था को, एक संत को बदनाम किया गया? ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि बेटियों की रिस्पेक्ट हमारे समाज में बढ़े, नशा हमारे समाज से दूर हो, ऐसे कौन लोग हैं? ये सवाल आपके लिए, जवाब जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट लाइव, सच का साथ देने के लिए सच की सोच का मुहिम।